हेलो दोस्तों, एचएम क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इग्नू के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि इग्नू के डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज़ किया गया है, जिसको आप लोगों को जानना जरूरी है। सो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम लोग जम्मू रीजनल सेंटर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, जम्मू रीजनल सेंटर ने असाइनमेंट सबमिट करने की गाइडलाइंस कल ही रिलीज़ कर दिया था, लेकिन सभी स्टडी वाइज गूगल फॉर्म नहीं बनाया गया था। सिर्फ 4 to 6 स्टडी सेंटर वाइज ही गूगल फॉर्म बनाया गया था, लेकिन अभी जितना भी स्टडी सेंटर है सभी का गूगल फॉर्म बना दिया गया है। आप लोग जम्मू रीजनल सेंटर में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से डायरेक्टली आप जम्मू रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे जा सकते हो। यहां पर सभी स्टडी सेंटर का सेपरेट गूगल फॉर्म बनाया गया है। जो भी स्टूडेंट जम्मू रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, वो सबसे पहले अपना स्टडी सेंटर का कोड चेक करोगे और उसके हिसाब से अपना जो असाइनमेंट है उसको सबमिट कर लोगे आप। नेक्स्ट हम लोग कोलकाता रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। कोलकाता रीजनल सेंटर में रिटर्न स्टडी मटेरियल का एक लिस्ट रिलीज़ किया गया है। जितने भी स्टूडेंट कोलकाता रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं और जिनका स्टडी मटेरियल घर पर नहीं पहुंच पाया है, किसी भी वजह से स्टडी मटेरियल रिटर्न चला गया है, उसके लिए एक अलग से 22 अप्रैल को लिस्ट बनाया गया है। सबसे पहले आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे। अगर आपका नाम इस लिस्ट में होगा तभी आपको कोलकाता रीजनल सेंटर विजिट करना होगा। कोलकाता रीजनल सेंटर विजिट करके आप अपना बुक को कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी जो कोलकाता रीजनल सेंटर है पेंडेमिक के वजह से बंद है। उसके रिगार्डिंग भी एक नोटिस आई थी, 25 अप्रैल तक सभी रीजनल जो सेंटर है उसको बंद कर दिया गया है। सो अभी आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका रीजनल सेंटर ओपन हो जाएगा आप अपना स्टडी मटेरियल रीजनल सेंटर विजिट करके ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग विशाखापट्टनम रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। फाइनली विशाखापट्टनम रीजनल सेंटर ने भी असाइनमेंट सबमिट करने की जो गाइडलाइंस है उसको रिलीज़ कर दिया है, और जो विशाखापट्टनम रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट है वो भी ऑनलाइन अपना असाइनमेंट गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप डायरेक्टली उस लिंक को क्लिक करके विशाखापट्टनम रीजनल सेंटर के जो गूगल फॉर्म है उसमें जा सकते हैं। यहाँ पे आपका जो डेट है 15 अप्रैल लिखा हुआ है, लेकिन ये आज ही अपडेट हुआ है। यहाँ पे जो रीज़न लिखा गया है कि जो सडन इंक्रीज हुआ है आपका कोरोना वायरस की वजह से, इसी वजह से जितना भी रीजनल सेंटर है सबको 25 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। यहाँ पे 23 अप्रैल लिखा हुआ है, लेकिन आपका सैटरडे संडे को इंक्लूड कर दोगे तो 25 अप्रैल आपका हो जाएगा। इसी वजह से तो आपका जो असाइनमेंट है अब ऑफलाइन ना लेके उन्होंने एक गूगल फॉर्म बना दिया है। उस गूगल फॉर्म में आप डायरेक्टली ऑनलाइन ही अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पे गिवन है, इस पर क्लिक करके आप गूगल फॉर्म में जा सकते हैं। यहाँ पे जो असाइनमेंट सबमिशन करने का जो गाइडलाइंस है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग एक बार रीड कर लेना। बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है कि आपको इनरोलमेंट नंबर हो, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर सब फिल करना है, और जो आपका PDF फॉर्मेट होना चाहिए वो 100 MB से कम होना चाहिए। यहाँ जो गूगल फॉर्म है यहाँ पे जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट, फ़ोन नंबर, इनरोलमेंट नंबर हो गया आपका, और आपका जो प्रोग्राम है जिस भी प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हो यहाँ पे लिखना है, और आपका स्टडी सेंटर जो भी होगा यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कोर्स कोड को यहाँ पे फिल करके जो आपका PDF फॉर्मेट होगा जो कि 100 MB से कम होगा यहाँ पे ऐड करके आपको सबमिट कर लेना है। अब हम लोग भागलपुर रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। भागलपुर रीजनल सेंटर की तरफ से एक न्यू नोटिस आई है। जितना भी एक्टिव स्टडी सेंटर है उसका एक लिस्ट को रिलीज़ किया गया है, और उस लिस्ट के अंदर सभी कोऑर्डिनेटर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहां पे गिवन है, और आपका साथ ही साथ यहां पर आपका जो टाइमिंग भी गिवन है और प्रोग्राम लिस्ट भी गिवन है। आप अपने कोड के हिसाब से और अपने स्टडी सेंटर के हिसाब से अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उस कोऑर्डिनेटर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक का एक नोटिस को रिलीज़ किया है, जिसमें आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपका प्रोग्राम वाइज यहाँ पे जो
व्हाट्सएप ग्रुप है उसको बनाया गया है। इससे पहले भी आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बना चुका था, लेकिन 22 अप्रैल को कुछ और प्रोग्राम को ऐड किया गया है उसमें। अगर आप इस प्रोग्राम में हो तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। इसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर में जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस आएगी, इस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।